हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज बात करेंगे, शुरू करते हैं सेशन को। थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इंटरनेट का वापस से इश्यू आ चुका है। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो इश्यू है। चलो और बताओ, सब बढ़िया? मुझे थोड़ा सेटअप करने दो एंड देन हम शुरू करते हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो सेशन को, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। सेशन को हम पहले से ही शुरू करेंगे। सेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ठीक है? डोंट वरी, लेट्स सी। ओके, ओके, सो शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा जब भी हमारी वीडियो आएगी। तब तो बात कर लेते हैं आज के सेशन के बारे में। वेट, मैं पेन कनेक्ट कर लूँ एंड देन। ओके ओके फाइन। आवाज़ आ रही है? क्लियर है? और ओके, थोड़ा सा इश्यू आ सकता है, लैग आ सकता है, बिकॉज़ आज इंटरनेट मोबाइल से कनेक्टेड है, लेकिन लाइव सेशन होना चाहिए। ओके, क्या बोलते हो? चलो तो भाई शुरू करते हैं। नो, आज का करंट अफेयर्स अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे एक टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको पीडीएफ्स और सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो सीधा आज मैं शुरू करूँगा, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी हम 4 से 5 मिनट वेस्ट कर चुके हैं। नाउ बात कर लेते हैं सबसे पहले आज के एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम कंप्लीट्स 4 ईयर्स। एक एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका नाम ई नाम है, इनम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है? उन्होंने यहाँ पे 4 साल कंप्लीट कर दिए हैं इम्प्लीमेंटेशन के बाद, ठीक है? उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इनम प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप हैज़ फार्मर्स फ्रेंडली फीचर्स लाइक अर्ली रजिस्ट्रेशन, फार्मर्स कैन नाउ व्यू क्वालिटी रिपोर्ट्स, एडिशनल ओटीजी फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक वेट स्केल्स, पेमेंट टू फार्मर्स, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर फीचर्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। 360 डिग्री इमेज कैप्चरिंग ऑफ द कमोडिटी हिप थ्रू इनम मोबाइल ऐप, एग्जामिनर कैन अपलोड 2D 3D इमेज ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। ओके, ये सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और इसी के साथ ये ऐप, ये जो ई नाम सर्विस एप्लीकेशन बनता है, अबाउट SFAC, तो उसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे नील कमल दरबारी है, ठीक है? हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नील कमल दरबारी है। बात करते हैं आगे नेक्स्ट। तो गोवा बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट एलोपैथी एंड आयुर्वेदा टू ट्रीट COVID-19 पेशेंट्स। यहाँ पे गोवा जो है पहला ऐसा स्टेट बनता है जो कि एलोपैथी एंड आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट करने वाला है COVID-19 पेशेंट्स की। एलोपैथी एंड आयुर्वेदा का यूज़, पहला ऐसा स्टेट, ठीक है? और उनके सीएम जो है ऑल्सो एडेड दैट ऑल्दो आयुर्वेदा कैन नॉट क्योर COVID-19, इट विल सर्टनली बूस्ट पेशेंट्स इम्यूनिटी। मतलब आयुर्वेदा इलाज तो नहीं करेगा लेकिन पेशेंट की इम्यूनिटी ये बढ़ा देगा, ठीक है ना? आगे बात करते हैं। द ट्रीटमेंट विल बी एडमिनिस्टर्ड इन कंसल्टेशन विद डॉक्टर्स हु आर डीलिंग विद COVID-19 पेशेंट्स हु इज ऑल्सो एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, ठीक है? मतलब ये जो है ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर के लिए भी की जाएगी, ताकि जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे है जो इलाज कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। और उसको यहाँ पे ना, उन्होंने ऐप भी लॉन्च किया है, आयुर गोवा कोविड 19 इन कलाबरेशन विथ यूनियन आयुष मिनिस्ट्री। ओके, और कैपिटल है पनाजी, सत्यपाल मलिक यहाँ पे उनके गवर्नर है, ठीक है? और सीएम वहाँ के है प्रमोद सावंत, यहाँ पे सीएम दिया हुआ है प्रमोद सावंत, कैपिटल पनाजी और गवर्नर सत्यपाल मलिक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे
CSIR forms core strategy group to find early measures to prevent COVID-19. CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, a premier national institute, उन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी ग्रुप यहाँ पे फाइंड मतलब फॉर्म किया हुआ है अर्ली मेजर्स COVID-19 को प्रिवेंट करने के लिए, और इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। अच्छा, ये जो CSIR है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, फिर यहाँ पे की पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, एंड उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, ठीक है। CSIR के बारे में बहुत सारी डिटेल में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, CII रिपोर्ट एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन रिकमेंड फेज वाइज लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन। यहाँ पे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII उन्होंने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे लिखा है एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन अ CII स्ट्रेटेजी। एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन का यहाँ पे इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसमें इन्होंने फेज वाइज लिफ्टिंग बताया हुआ है। फेज वाइज लिफ्टिंग मतलब यहाँ पे रिपोर्ट के हिसाब से क्लासिफिकेशन ज्योग्राफीज में रेड, एम्बर एंड ग्रीन, यहाँ पे तीन तरह के लोकेशंस यहाँ पे बताए हुए हैं, तीन तरह की क्या बोलते हैं हम सेक्शंस बनाए होंगे, ठीक है, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ज्योग्राफी ज्योग्राफी वाइज। एंड उसके बाद फर्स्ट फेज में 25% लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स एंड कंस्ट्रक्शन को शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है, और सेकंड फेज में बाकी सारे चीज़ों को यहाँ पे रिज्यूम किया जाएगा। फाइव एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल रीस्टार्टिंग द इकोनॉमी, वर्क प्लेस सेफ्टी, लॉजिस्टिक्स इश्यूज, रीस्टार्टिंग इंडस्ट्री इन फेजेस, गेटिंग बैक द माइग्रेंट वर्क फोर्स एंड पुटिंग एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इन रियल टाइम। सो ये स्ट्रेटेजी से अभी लॉकडाउन को हटाया जाएगा, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। अबाउट CII प्रेसिडेंट यहाँ पे विक्रम एस किर्लोस्कर एंड डायरेक्टर जनरल जो है चंद्रजीत बैनर्जी है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, ओके okay? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, RBI टू पुट 200 BPS पेनल्टी ऑन बैंक्स इफ फेल टू इन्वेस्ट TLTRO फंड्स इन 30 डेज। यहाँ पे RBI जो है उन्होंने यहाँ पे 50% यहाँ पे RBI ने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है बैंक्स को कि उनको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा 50% ऑफ फंड्स रेज थ्रू टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशंस। यहाँ पे हर एक बैंक को यहाँ पे फंड्स उसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने 30 डेज का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, 30 डेज में अगर ये नहीं हुआ तो उनको यहाँ पे पेनल्टी लग सकती है, ठीक है, और पेनल इंटरेस्ट कितना यहाँ पे 200 BPS बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अब ये इनकी टर्म होगी एक जिसको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं हम, ठीक है। तो आगे यहाँ पे इन्होंने की पॉइंट्स दिए हुए, इन्वेस्टमेंट में बी बैंक्स अंडर दिस TLTRO फैसिलिटी विल बी क्लासिफाइड एज हेल्ड टू मैच्योरिटी, बैंक विल हैव टू मेंटेन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इन TLTRO, और ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। आपको ये PDF के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है आप वो सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लीजिए, और बाकी यहाँ पे आप इसको फर्दर आगे के यूज़ के लिए भी इसको ओके थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ गया था, चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इन्होंने बताया हुआ है हेडक्वार्टर्स जो है वो मुंबई में है, और फॉर्मेशन 1 अप्रैल, गवर्नर शक्तिकांता दास और डेप्यूटी गवर्नर, यहाँ पे 4 डेप्यूटी गवर्नर दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैंने कहा है कि लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो, उनको टेलीग्राम चैनल के बारे में बताओ, डेली करंट अफेयर्स आते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, RBI टू लॉन्च सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 इन H1 FY 21 ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे RBI यहाँ पे लॉन्च करने वाला है गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है, और ये लॉन्च होंगे 2021 के H1 में, H1 यानी कि हो सकता है H1, ओके, यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड विच इज़ टू बी इश्यूड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 6 tranches फ्रॉम April 20 टू September 20 इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में ये लॉन्च होने वाला है, ठीक है। दिस बॉन्ड विल फैच अ फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफ 2.5% पर एनम विच विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। नाउ
सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में यहाँ पे कुछ लिमिट्स दी हुई है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 4 kg फॉर इंडिविजुअल, 4 kg ऑफ HUF एंड 20 kg ऑफ ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज पर फिस्कल, टेन्योर 8 ईयर्स विल एन एग्जिट ऑप्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। ओके, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई है। इट विल बी इंडियन रुपीज बेस्ड ऑन अ सिंपल एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड ऑफ 999 प्योरिटी ऑफ प्रीवियस 3 वर्किंग डेज, ये भी डिटेल्स लिखी हुई है। इंटरेस्ट रेट 2.5% पर एनम यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। पेमेंट ऑप्शन थ्रू कैश पेमेंट और डिमांड ड्राफ्ट और चेक और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। रिडेम्पशन प्राइस यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये भी यहाँ पे सेम रिडेम्पशन भी इस तरह से रहेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ये सारी चीज़ें अगेन लिखी हुई है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, इंडिया टाइटन्स कर्ब ऑन इम्पोर्ट ऑफ रिफाइंड पाम ऑयल, इम्पोर्ट लाइसेंस वैलिडिटी रिड्यूस टू 6 मंथ्स। यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ रिफाइंड पाम ऑयल पे थोड़ी सी यहाँ पे पकड़ जमा ली है, मतलब पकड़ जमा ली है इसका मतलब रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, थोड़े स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस कर दिए है। एंड उसमें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अब एज पर ऑनगोइंग रिस्ट्रिक्शंस एन इम्पोर्टर हैज़ टू सीक इन लाइसेंस और परमिशन और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स फॉर द इम्पोर्टर्स ऑफ रिफाइंड पाम ऑयल। अब इम्पोर्टर के पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर लाइसेंस या फिर परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, एग्री मिनिस्ट्री लॉन्चेज अ कॉल सेंटर फॉर एग्री लॉजिस्टिक्स। एग्री मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक एग्री लॉजिस्टिक्स करके कॉल सेंटर डेवलप किया हुआ है, जहाँ पे वो हेल्प करेंगे लॉजिस्टिक में, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्री इनपुट्स सच एज सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि अभी के टाइम में ये सारे इश्यू आ सकता है। तो इसके लिए इन्होंने नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर पे फ़ोन करने पे हेल्प की जाएगी। अब ट्रक ड्राइवर्स, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्टर्स, उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है स्टेट के अंदर में मूवमेंट में, तो उनको हेल्प की जाएगी। तो ये इन्होंने ऐड किया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर्स कृषि भवन न्यू दिल्ली, कैबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट परसोत्तम रूपाला। ठीक है, नेक्स्ट, यूएन रिलीजेस $2.5 मिलियन टू हेल्प साइक्लोन रेवेज वनुआतु। यूएन ने यहां पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन चीफ मार्क लोकॉक अनाउंस्ड रिलीज ऑफ $2.5 मिलियन फ्रॉम इट्स इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन फंड टू हेल्प थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन अ साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ वनुआतु अफेक्टेड बाय साइक्लोन हेराल्ड एंड ऑफर्ड सपोर्ट टू अदर हार्ड हिट कंट्रीज। यहाँ पे एक नेशन है वनुआतु जिसको यहाँ पे साइक्लोन हेराल्ड का इफेक्ट हुआ है, और उसको यहाँ पे यूएन नेशंस ने $2.5 मिलियन की हेल्प की हुई है। साइक्लोन मेड लैंडफॉल ऑन द लार्जेस्ट आइलैंड इन वनुआतु एंड एस्पिरिटू सांतो, इसके अंदर यहाँ पे ये हिट किया हुआ है, और इसने टोटल 80 आइलैंड्स यहाँ पे वनुआतु में 80 आइलैंड्स है जो कि अबाउट 1300 किलोमीटर एंड पॉपुलेशन वहाँ पे 3 लाख वॉज जॉइंटली कंट्रोल बाय द UK यूनाइटेड किंगडम। भाई 3 लाख की पॉपुलेशन है, इतनी तो हमारे सूरत में भी नहीं, सूरत में भी इससे ज़्यादा है। ओके, कैपिटल पोर्ट विला की बात कर लेते हैं। कैपिटल पोर्ट विला प्रेसिडेंट एटलिस ओबेड मोसेस, प्राइम मिनिस्टर है चार्लोट सलवाई तबिमासमास। ओके भाई, बहुत डिफिकल्ट नाम है, और करेंसी का नाम है वातु। ठीक है, वातु। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 6.1% इन अप्रैल जून, जापान नोमुरा। इंडिया का GDP जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है 6.1% से अप्रैल जून के टाइम में। ये किसका कहना है? जापान नोमुरा। ठीक है, जापान की एक ब्रोकरेज कंपनी है नोमुरा, जिसने यहाँ पे ये प्रोजेक्शन किया हुआ है डाउनवर्ड रिविजन बाय 6.1% फॉर इंडियन इकोनॉमी इन अप्रैल जून क्वार्टर एंड बाय 0.5% फॉर द सितंबर क्वार्टर। इट इज़ लाइकली टू एक्सपांड ओनली इन डिसम्बर क्वार्टर ऑफ 2020 बाय 1.4%। इकोनॉमी विल ग्रो एट 3.2% इन जनवरी मार्च पीरियड। इकोनॉमी इतना ग्रो करेगी। ठीक है, नोमुरा, नोमुरा के बारे में, हेडक्वार्टर्स टोक्यो जापान, एंड प्रेसिडेंट एंड ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव केंतारो ओकुडा। भाई जो भी देख रहे हैं, आवाज़ आ रही है, सारी चीज़ें क्लियर है, तो एक बार मुझे बता दो, एंड अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करते हैं। 4 इंडियन अमेरिकन अवार्डेड गंगिनहम फेलोशिप
गगनम फेलोशिप 2020 फॉर इंडियन अमेरिकन को यहाँ पे अवार्ड किया गया है, गगनम फेलोशिप्स 2020। उन्होंने यहाँ पे अपनी एक्सेप्शनल कैपेसिटी, प्रोडक्टिव स्कॉलरशिप और एक्सेप्शनल क्रिएटिव एबिलिटी इन द आर्ट्स, इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ की हुई है इसलिए। और उनका यहाँ पे नाम है प्रदीप शर्मा, मैकेनिकल इंजीनियर एट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन। कविता रमनन, प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एट ब्राउन यूनिवर्सिटी। एंड दिलीप दा कुन्हा, आर्किटेक्ट, प्लानर एंड टीचर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। मुकुल शर्मा, प्रोफेसर ऑफ अर्थ साइंस एट डार्मोथ कॉलेज। ठीक है, अब ये इतने नाम है, बहुत अच्छी बात है, फीलिंग प्राउड। अब यहाँ पे 175 फेलोशिप्स अवार्ड की जाती है 3,000 में से। द साइज ऑफ ग्रांट वेरीज एंड इज एडजस्टेड टू द नीड्स ऑफ फेलोज बाई कंसिडरिंग देयर अदर सोर्सेज एंड पर्पज एंड स्कोप ऑफ देयर प्लान एंड एवरेज ग्रांट इन द कैनेड 2008 कैनेडा यूनाइटेड स्टेट्स कॉम्पिटिशन वॉज अप्रॉक्सीमेटली USD $43,200। ठीक है, और गगनम स्कॉलरशिप के फेलोशिप के बारे में बात की है तो जॉन साइमन गगनम, उनके नाम से ये चीज़ की गई है। 17 ईयर ओल्ड यहाँ पे है जिनकी मेमोरी में की जाती है। ठीक है, CCI अप्रूव्स एमरल्ड सेज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक्विजिशन ऑफ 9.93% स्टेक इन अपोलो टायर्स लिमिटेड। CCI ने यहाँ पे अप्रूवल दिया हुआ है एमरल्ड सेज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को एक्विजिशन कितना यहाँ पे अपोलो टायर्स में, 9.93% एक्विजिशन यहाँ पे है। ठीक है, वेयर द एक्वायर्स कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रिफर्ड स्टॉक टू बी 10.8 करोड़, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 9.93% ऑफ द पोस्ट इश्यूड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ टारगेट कंट्री, यहाँ पे ये कहा गया है। ठीक है, ओके, 9.93%, और कन्वर्टेबल इसके स्टॉक्स यहाँ पे कितने होते हैं, 10.80 करोड़ जितने हैं, तो उसके बारे में इन्होंने दिया हुआ है। CCI के बारे में, तो CCI क्या है, CCI एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन में कहा जाता है। और उसके बारे में इन्होंने बाकी चीज़ें दी हुई, एस्टाब्लिश यहाँ पे हुआ है 14 अक्टूबर 2003 को। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हेडक्वार्टर्स यहाँ पे जो है न्यू दिल्ली में है और चेयरपर्सन अशोक कुमार गुप्ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ओके, US क्लियर्स सेल्स ऑफ हरपून मिसाइल एंड टॉर्पिडोज प्राइज्ड अ टोटल ऑफ $155 मिलियन टू इंडिया। US ने यहाँ पे हरपून मिसाइल एंड टॉर्पिडोज इसको यहाँ पे प्राइज किया है $155 मिलियन इंडिया को। ठीक है, डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी उसने यहाँ पे और डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में ये हरपून ब्लॉक टू एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल्स एंड MK-54 लाइट वेट टॉर्पेडोस, उसका यहाँ पे प्राइस $155 मिलियन यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, अबाउट डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी, तो उसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन में है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है। ठीक है, आगे नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, तो सी डॉट एंड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स डेवलप कोविड क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इन्होंने यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके इन्होंने COVID-19 क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये यहाँ पे एक ईमेल ट्रिगर करेगा अगर इनको यहाँ पे पॉजिटिव केस वाला कोई भी पर्सन क्वारंटाइन लोकेशन से अलग या दूर जाता है तो ये इनको यहाँ पे अलर्ट करेगा SMS या फिर मेल से। ये इन्होंने ऐसे सिस्टम बनाई हुई है। और ये जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज एनकरेज स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज टू यूज़ क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन है उन्होंने यहाँ पे इंसिस्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को ये क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए। कैबिनेट मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, मिनिस्टर ऑफ स्टेट संजय शमराव धोत्रे, सेक्रेटरी अजय प्रकाश सोने।
एमवी राजशेखरन, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड वेतरन कांग्रेस लीडर, पास्ड अवे एट 91। एमवी राजशेखरन, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड वेतरन कांग्रेस लीडर, जिनका यहाँ पे देहांत हुआ है 91 की एज पे, ठीक है। एंड उन्होंने यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए की तरह भी सर्व किया हुआ है इन द अपर हाउस ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, सो दिस आर द इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्ल्ड चागस डिजीज डे। वर्ल्ड चागस डिजीज डे, उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है फर्स्ट टाइम, पहली बार इस साल अप्रैल 14 वर्ल्ड चागस डिजीज डे, ठीक है। उसको यहाँ पे अवेयरनेस के लिए, ऑब्वियसली इसके अवेयरनेस एंड उसके लिए दिया जाता है। अप्रैल 14th 1909, ठीक है, अ ब्राजीलियन गर्ल नेम ब्रिंसिस बेरेनिस सोरस डी मोरा, उसको यहाँ पे पहली बार ये डिजीज से डायग्नोस किया गया था, ठीक है। किसने किया था? डॉक्टर कार्लोस रिबेरो जस्टिनियानो चागस, ओके, इसलिए इसका नाम चागस डिजीज डे रखा गया है, ओके। एंड ओके, इन्फेक्शन ये बग से होता है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। इंडियन आर्मी ऑब्जर्व 36th सियाचिन डे ऑन अप्रैल 13, 2020। इंडियन आर्मी ने 36th सियाचिन डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया हुआ है, जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सियाचिन जो कि यहाँ पे हाईएस्ट कोल्डेस्ट बैटलफील्ड कहा जाता है, वहाँ पे उसका उनका एक बेस कैंप है, ठीक है। और ये जो है आर्मी ने सेलिब्रेट किया हुआ है 36th, और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है 76.4 किलोमीटर है, एंड यहाँ पे ये जो नॉर्थ वेस्ट एंड कवर करता है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का अनइनहेबिटेड टेरेन, ठीक है। और इंडिया ने यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की हुई है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो इंडियन आर्मी के बारे में हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरावने, ठीक है। ओके, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2020 अप्रैल 2, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 2 को, और ये यहाँ पे रीडिंग एंड कॉल टू अटेंशन टू चिल्ड्रंस बुक यहाँ पे इसके लिए कहा गया है, ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, ठीक है। फॉर्मर गुजरात फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वॉल्टर डी सोजा पास अवे एट 93। फॉर्मर गुजरात क्रिकेटर वॉल्टर डी सोजा 93 की एज पे उनका यहाँ पे मृत्यु हो गया है, और वो जब सो रहे थे नींद में ही। ही वॉज वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हुज फर्स्ट क्लास कैरियर लास्टेड फॉर नियरली 2 decades, मतलब यहाँ पे 20 साल तक उन्होंने यहाँ पे उनका कैरियर रखा था, मतलब वो खेले थे। कन्नडा एक्टर बुलेट प्रकाश पासेस अवे एट 44। कन्नडा एक्टर जो है बुलेट प्रकाश पास्ड अवे एट एज ऑफ 44 years ड्यू टू इलनेस इन बेंगलुरु, हु हैड एक्टेड इन 320 फिल्म्स एंड नोन फॉर हिज कॉमेडिक रोल्स, ठीक है। ओके, सो आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल। यहाँ पे आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है। काफ़ी थोड़ी दिक्कत आई आज के सेशन में, लेकिन हमने सेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। होप आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होगी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लाइव सेशन शाम को 5 बजे, और डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के MCQs। तब तक आप जा सकते हो, और अगर आप पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, डेली सेशंस होते हैं। और अगर आप हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग एबिलिटी के कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, जो जी ड्राइव कोर्सेज है, आप एनरोल कर सकते हो। ऑनलाइन भी ये कोर्स मिल जाएंगे आपको, जैसे आपकी मर्जी हो। ऑनलाइन जी ड्राइव समझ में तो आता ही है, जी ड्राइव मतलब गूगल ड्राइव, जिसे आप ऑफलाइन एक्सेस कर पाओगे। ऑनलाइन में आपको यहाँ पे वेबसाइट पे ही वीडियोस देखने होंगे। सो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।